हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 132, जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 15 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 1 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है, तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है भूखा मगरू। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ मोंटी मगरमच्छ। बच्चों, इसका नाम है मोंटी मगरमच्छ। जब भी मुझे भूख लगती है, मैं ढेर सारी मछलियाँ खाता हूँ और यह गाना गाता हूँ। तो जब भी मोंटी मगरमच्छ को भूख लगती है तो ये क्या खाता है? बहुत सारी मछलियाँ खाता है और गाना भी गाता है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सा गाना गाता है। दोनों तरफ मछलियाँ ही मछलियाँ, किस तरफ की मछलियाँ खाऊं? जिस तरफ हो मछलियाँ ज़्यादा, उसी तरफ मैं कदम बढ़ाऊं। दोबारा से गाएं। दोनों तरफ मछलियाँ ही मछलियाँ, किस तरफ की मछलियाँ खाऊं? जिस तरफ हो मछलियाँ ज़्यादा, उसी तरफ मैं कदम बढ़ाऊं। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दोनों तरफ मछलियाँ ही मछलियाँ हैं, तो बताओ कि मैं किस तरफ की मछलियाँ खाऊं? तो उसने कहा कि जिस तरफ ज़्यादा मछलियाँ होंगी, मैं अपना कदम उसी तरफ बढ़ाऊंगा, यानी कि मैं उन्हीं मछलियों को खाऊंगा। ठीक है बच्चों? बच्चों, क्या आप मेरे साथ यह गाना गाओगे और मैं किस तरफ जाऊँगा यह बताओगे? ध्यान रखना, मैं हमेशा ज़्यादा मछलियाँ खाता हूँ। मगरमच्छ को एक लाइन द्वारा ज़्यादा मछलियों के साथ मिलाइए। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने गाने में सुना था कि जो मोंटी मगरमच्छ है वो तो ज़्यादा वाली मछलियाँ ही खाता है, तो चलिए अब हम मोंटी मगरमच्छ को ये बताते हैं कि किस तरफ ज़्यादा मछलियाँ हैं और हम मगरमच्छ को एक लाइन के द्वारा ज़्यादा मछलियों के साथ में मिलाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इस तरफ की मछलियाँ गिनेंगे और फिर हम गिनेंगे इस तरफ की मछलियाँ। ठीक है, तो ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बच्चों, इस तरफ कितनी मछलियाँ हैं? इस तरफ हैं 7 मछलियाँ। और दूसरी तरफ कितनी मछलियाँ हैं, आइए गिनते हैं। तो यहाँ पर है 1, 2, यहाँ पर तो 2 मछलियाँ हैं। इसका मतलब कि मोंटी मगरमच्छ कौन सी वाली मछलियाँ खाएगा? मोंटी मगरमच्छ तो खाएगा ज़्यादा वाली मछलियाँ, तो इसलिए वो खाएगा 7 मछलियाँ, क्योंकि 7 मछलियाँ 2 मछलियों से ज़्यादा हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए। इस तरफ है 1 मछली और इस तरफ कितनी मछलियाँ हैं? 1, 2, 3, 4, इस तरफ है 4 मछलियाँ। तो बताइए कि मोंटी मगरमच्छ किस तरफ वाली मछलियाँ खाएगा? बिल्कुल सही, मोंटी मगरमच्छ खाएगा 4 मछलियाँ, क्योंकि जैसा कि उसने कहा था कि वो तो भाई ज़्यादा वाली ही मछलियाँ खाएगा, तो इसका मतलब ये है कि 4 मछलियाँ 1 मछली से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस तरफ कितनी मछलियाँ हैं। 1, 2, 3, इस तरफ कितनी मछलियाँ हैं? इस तरफ है 3 मछलियाँ। और इसी तरह से अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितनी मछलियाँ हैं। 1, 2, 3, 4, और इस तरफ हैं 4 मछलियाँ। तो बताइए कि मोंटी मगरमच्छ किस तरफ की मछलियाँ खाएगा? बिल्कुल सही, मोंटी मगरमच्छ खाएगा इन मछलियों को, क्योंकि इस तरफ कितनी मछलियाँ हैं? 4 मछलियाँ हैं, जो कि 3 से ज़्यादा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं इस तरफ कितनी मछलियाँ हैं, आइए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, इस तरफ हैं 4 मछलियाँ और इस तरफ कितनी मछलियाँ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरफ है 8 मछलियाँ। तो बच्चों, बताइए कि मोंटी मगरमच्छ किस तरफ की मछलियाँ खाएगा? बिल्कुल सही, वो खाएगा 8 मछलियाँ, क्योंकि वो तो हमेशा ज़्यादा मछलियों की तरफ ही अपना कदम बढ़ाता है,
है ना बच्चों। अगला वाला आपको खुद से करना होगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ और यहाँ की मछलियाँ काउंट करेंगे और उसके बाद मोंटी मगरमच्छ कौन सी मछलियाँ खाएगा उसे आप उसके साथ में मिला देंगे, ठीक है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।